बाबू हम तो ये वीडियो ही बना आधा घंटा तक बोलते रह गए, पता चला हम चालू ही नहीं किए थे। कुछ हम कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू भेजना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको आएगा तो एमसीक्यू समझाते हुए एमसीक्यू भेजते हैं, बैक टू बैक दो वीडियोस जिसमें 10-10 आएगा 20, तो आपको फायदा करेगा। बाद में जो भी सिलेबस का चीज है हम बताते रहेंगे, टेंशन मतलब हम आए नहीं है। ये क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिया है, लेकिन इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो भी डाटा है वो एक्चुअल डाटा है, आप याद कर लीजिएगा इसका सब डाटा को, ठीक है। हम इतनी बार बोल देंगे कैसे याद रहेगा। सुनो, द रेजिस्टेंस ऑफ ए 45 मीटर लॉन्ग सप्लाइंग केबल इज 7 ओम, ओम का सिंबल बना है 7 ओम। एक 45 मीटर लंबे सप्लाइंग केबल का रेजिस्टेंस 7 ओम है। करंट रिक्वायर्ड फॉर इग्निशन ऑफ फ्यूज हेड इज 0.5 एम्पियर्स। ये फ्यूज हेड दिख रहा है आपको, इस फ्यूज हेड को जलाने के लिए, इग्नाइट करने के लिए, इस फ्यूज हेड को जलाने के लिए आधा एम्पियर 0.5 एम्पियर करंट चाहिए। मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ब्लास्ट 1 डिटोनेटर, तो इस पूरे डिटोनेटर को ब्लास्ट करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, मिनिमम वोल्टेज कितना चाहिए डिटोनेटर को ब्लास्ट करने के लिए। क्या क्या डाटा है बोला भाई आपको, क्या दिया है? रेजिस्टेंस अब 45 मीटर लंबा केबिल दिया है 7 ओम। कितना बोला बेटा? 45 मीटर लंबा केबिल का, सप्लाइंग केबिल का रेजिस्टेंस कितना होता है? 7 ओम एक्चुअल डाटा है। और इस फ्यूजेट को जलाने के लिए कितना करंट चाहिए भी एक्चुअल डाटा है, आधा एम्पियर 0.5 एम्पियर, ठीक है। और आप ठीक है, और इस डिटोनेटर को ब्लास्ट करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, कहां से निकलेगा, कैसे निकलेगा। वो आप लोग ओम्स लॉ पढ़े थे? ओम्स लॉ क्या है? कुछ नहीं है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ओम्स लॉ क्या है बेटा? वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक क्या लेते हैं, कॉन्स्टेंट। वी इज इक्वल टू आर आई। आर मतलब रेजिस्टेंस, वी मतलब वोल्टेज, आई मतलब करंट, आर मतलब रेजिस्टेंस। आपको निकालना ही क्या बेटा, मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ब्लास्ट 1 डिटोनेटर, इस एक डिटोनेटर को ब्लास्ट करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज निकाल दीजिए, V इज इक्वल टू रख दीजिए, R कितना दिया है 7 ओम, इंटू करंट कितना दिया आधा ओम, 7 इंटू आधा करेंगे कितना हो जाएगा 3.5 वोल्ट। कितना हो गया बेटा? 3.5 वोल्ट। तो एक डिटोनेटर को ब्लास्ट करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए? 3.5 वोल्ट। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, समझते क्या होता है? V वोल्टेज का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल प्रेशर, और करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई धातु वाली चीज से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, करंट। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल प्रेशर होगा, धक्का मारेगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, बहेगा, धड़ 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 आगे जाएगा। तो वी जाके प्रोपोर्शनल टू आई, वी बढ़ेगा इलेक्ट्रिकल प्रेशर बढ़ेगा तो फ्लो ऑफ करंट बढ़ेगा, मतलब फ्लो ऑफ करंट बढ़ेगा मतलब आपका बिजली बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। तो V इज इक्वल टू हो गया आर आई, तो यहां V इज इक्वल टू आप वैल्यू पुट किया 3.5 वोल्ट। अब एकदम याद रखिएगा कि 45 मीटर लंबे केबिल का रेजिस्टेंस 7 ओम होता है, इस फ्यूजेट को जलाने के लिए आधा एम्पियर करंट चाहिए, और इस पूरे डिटोनेटर को ब्लास्ट करने के लिए 3.5 वोल्ट चाहिए। हो गया, ये 45 मीटर लंबा केबिल दिया, लेकिन आपका रेगुलेशन कितना बोलता है बेटा? दो पैरामीटर दिया है, एक तो बोलता है कि जिस जगह ब्लास्टिंग कर रहे हैं उस जगह से 2 राइट टर्न लेने के लिए जितना लंबाई का केबल चाहिए उतना, या तो बोलता मिनिमम 50 मीटर, नॉट लेस देन 50 मीटर, ठीक है ठीक है। तो ये हो गया, ये इसको तो हम बना के समझाए थे जब हम गलती से वीडियो चालू नहीं किए, ठीक है। अब तो बड़ा बड़ा एक देखिए, एक डिलोडिटोर हम समझाए हैं, इसको बताना था फ्यूज हेड, तो हम बोले कि एक डिलोडिटोर को एक बार बताए थे। देखिए कोई भी डिटोनेटर होगा, डिले हो, प्लेन हो, कोई भी हो, ये दो चीज से हम रहता है, बेस चार्ज और प्राइमिंग चार्ज। देखिए बेस में है ना, तली में है, डिटोनेटर के तली में, अंडरग्राउंड में कॉपर ट्यूब डिटोनेटर ही इस्तेमाल करना है। एल्यूमिनियम ट्यूब डिटोनेटर इज नॉट परमिटेड इन बिलो ग्राउंड माइंस, इन अंडरग्राउंड माइंस एंड ओनली इन अंडरग्राउंड कोल माइंस ओनली कॉपर ट्यूब डिले डिटोनेटर्स आर यूज्ड, ठीक है। और उसमें से भी शॉर्ट डिले डिटोनेटर को मिली सेकंड डिले डिटोनेटर बोलते हैं, शॉर्ट डिले डिटोनेटर को मिली सेकंड डिले डिटोनेटर बोलते हैं, वही डिटोनेटर यूज करना है।
और सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए कैरिक सीरीज का डिले डिटोनेटर यूज करना है, जो कि 0 नंबर से लेके 6 नंबर तक अवेलेबल रहता है, ठीक है। और उसका जो डिले इंटरवल होता है 25 ms होता है। अंडरग्राउंड वाली बात करो, मैं ओपन कास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये बेस चार्ज PETN होता है, प्राइमिंग चार्ज ASA होता है, और एक डिले एलिमेंट होता है। डिले एलिमेंट क्या होता है, ये आपका प्राइमिंग चार्ज और फ्यूज हेड के बीच में। कभी कभी पूछ लेगा डिले एलिमेंट कहां इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये फिगर याद रहना चाहिए कि ये FH लिखा है ना, फ्यूज है, और ये आपका क्या है, प्राइमिंग चार्ज ASA, उन दोनों के बीच में डिले एलिमेंट रहता है। डिले एलिमेंट होता क्या है, एक कॉपर या ब्रास का स्ल्यू होता है, उसके अंदर हम, यहां लिखा हुआ है कॉपर और ब्रास स्ल्यू, उस समय हम पढ़ाते पढ़ाते लिख रहे थे, अब लिखा हुआ है तो उसे समझ लेते हैं। कॉपर और ब्रास स्ल्यू फिल्ड विद सिलिकॉन बेरिलियम सल्फेट एंड रेड लेड, ठीक है। इसका एक आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए, देखते देखते क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या चीज रहता है इसमें। कॉपर और ब्रास का स्ल्यू रहता है, उसके अंदर हम ये तीन चीज का मिश्रण को भर देते हैं, क्या क्या बोले, सिलिकॉन बेरिलियम सल्फेट एंड रेड लाइट का, रेड लेड लाइट बोल दिया करते, रेड लेड का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसको इसके अंदर भर देते हैं, ठीक है। तो ये डिले एलिमेंट जो है ये क्या करता है, इग्निशन को स्लो कर देता है। ये इसमें एक्शन कैसे होता है, ये आपका फ्यूज हेड ब्लास्ट होगा, जैसे ब्लास्ट होगा तो डिले एलिमेंट के पास जाएगा, डिले एलिमेंट के बाद प्राइमिंग चार्ज जलना चालू करेगा। ये प्राइमिंग चार्ज इससे ज्यादा हाई एक्सप्लोसिव है PETN, इसको इनिशिएट करता है। जब ये इनिशिएट होगा तब कंप्लीट आपका डिटोनेटर ब्लास्ट हो गया, और इसके लिए बहुत कम समय लगता है, लगातार रिएक्शन होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कोई चीज इसमें हमारे हिसाब से नहीं बचा, याद रखिएगा इसको एकदम याद रखिए, कहीं ना कहीं से खाना कोई चीज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ बेटा, ये दो क्वेश्चन को हम लेते हैं, इसका कुछ पोर्शन बच गया, इसको हम फिर बताते हैं, बोलते बोलते छूट गया था, बता रहे। पहले दो क्वेश्चन ले लो। द सर्किट कंटिन्यूटी ऑफ ए लो टेंशन डिटोनेटर कैन बी टेस्टेड बाय, या आप ये बोले कि ब्लास्टिंग सर्किट को आपको की कंटिन्यूटी को चेक करना है, तो क्या चीज का आप इस्तेमाल करते हैं, सर्किट टेस्टर इस्तेमाल करते हैं ना, क्या यूज करते हैं सर्किट टेस्टर, उसका टेक्निकली नाम क्या है, गैल्वेनोमीटर, क्या बोलते हैं उसको, गैल्वेनोमीटर, जो सर्किट टेस्टर हम इस्तेमाल करते हैं उसका टेक्निकली क्या नाम होता है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। सर्किट की कंटिन्यूटी की चेक करने के लिए, डिटोनेटर की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उसको सर्किट टेस्टर बोलते हैं, और वो गायरो कंपनी का सर्किट टेस्टर जो अंडरग्राउंड में यूज करने के लिए परमिटेड है, गायरो कंपनी का, GYRO गायरो, ठीक है। और उस सर्किट टेस्टर का टेक्निकली क्या नाम होता है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब ये विच इज नॉट ए हाई एक्सप्लोसिव, इनमें से बताओ कि कौन सा हाई एक्सप्लोसिव नहीं है, क्या बता रहे, नॉट, विच इज नॉट ए हाई एक्सप्लोसिव। अब आपको दिया है कोलोडियन कॉटन, और दूसरा दिया गन पाउडर, तीसरे ऑप्शन में दिया TNT PETN स्लरी एनिमल्सन एक्सप्लोसिव, चौथे ऑप्शन में दिया एनपो HNPO एंड नाइट्रोग्लिसरीन, एनजी मतलब नाइट्रोग्लिसरीन। बताइए मैक्सिमम बच्चा इसी को कर देगा कि ये हाई एक्सप्लोसिव नहीं है। हम आज ही ग्रुप में लो एक्सप्लोसिव और हाई एक्सप्लोसिव का कंपैरिजन वाला एक वीडियो डाले है, कंपैरिजन वाला देखिएगा, और कहीं से मत देखिएगा, ढेर सारा डाला होगा कहीं, यहाँ पे कंपैरिजन आप लो एंड हाई एक्सप्लोसिव का वीडियो डाला हो एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग के प्लेलिस्ट में, जो ग्रुप में नहीं बच्चे जुड़े वहां जाकर के देखिए, तो आपको वहां क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा इसमें से नहीं है, गन पाउडर आपका हाई एक्सप्लोसिव नहीं है, दिस इज अ लो एक्सप्लोसिव, क्या ये गन पाउडर इज अ लो एक्सप्लोसिव नॉट ए हाई एक्सप्लोसिव, जबकि कोलोडियन कॉटन TNT PETN स्लरी एक्सप्लोसिव इमल्सन एक्सप्लोसिव नाइट्रोग्लिसरीन हेवी एनपो NFO अमोनियम नाइट्रेट, इसमें हम अमोनियम नाइट्रेट नहीं लिए, एक अमोनियम नाइट्रेट भी नाम लिख लीजिए अमोनियम नाइट्रेट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ
हाई एक्सप्लोसिव। कौन कौन है बेटा हाई एक्सप्लोसिव? अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल आई। एनफो का मतलब क्या होता है? अमोनियम नाइट्रेट अलग हो गया, उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल आई, उसके बाद हेवी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल आई, नाइट्रोग्लिसरीन, टी टी एन टी, पी टी एन, स्लरी, एनिमल्सन एक्सप्लोसिव, कोलोडियन, कॉटन, दीज आर द हाई एक्सप्लोसिव। गन पाउडर इज द लो एक्सप्लोसिव। लो एक्सप्लोसिव इज डिटोनेटेड आर इग्नाइटेड बाय सेफ्टी फ्यूज। सेफ्टी फ्यूज को कैसे इग्नाइट करेंगे? माचिस से डायरेक्ट, लाइटर से डायरेक्ट, उसके लिए एक्सप्लोजन का जरूरत नहीं होता है। और हम बाबू बताए थे कि सेफ्टी फ्यूज का बर्निंग स्पीड या बर्निंग रेट एकदम पढ़ के जाना 100 to 120 seconds per meter है। उल्टा मत बोलना, 100 to 120 seconds per meter। इसको हम कई बार एक्सप्लेन किया, अभी एक्सप्लेन आज नहीं करूंगा, ठीक है। इस गन पाउडर को डायरेक्ट इग्निशन होता है। डायरेक्ट इग्निशन का मतलब क्या होता है कि एक्सप्लोजर नहीं, सीधा माचिस मारिए तो माचिस का गन पाउडर माचिस मारिएगा, नहीं आपको सेफ्टी फ्यूज से जोड़ के जाना। अभी एक बच्चा लिखा, सर हम एक जगह पढ़ लिया है 100 से 125 mm, अब मैं क्या करूं बेटा? जो पढ़ लिए तुम पढ़ लो। अब डीजे साहब का भी, डीजे देशमुख साहब का भी बुक को देखे, वहां भी 100 to 120 लिखा है, तो तुम कौन बुक से पढ़ लिया? समीर कुमार दास का साहब का भी बुक पढ़ी, उसमें भी 100 to 120 लिखा है। आर डी सिंह साहब का बुक पढ़िए, उसमें भी 100 to 120 लिखा है। एसपी माथुर साहब का बुक पढ़िए, उसमें भी 100 to 120 लिखा है। तो अब तुम कौन बुक से पढ़ लिया? आप कोई कोई का चुटका चुटका वाला गाइड से पढ़ना होगा, तो हम क्या करें? ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ छुटकियां बोल रहे थे ना हम। अच्छा, ये जो डिले डिटोनेटर हम बताए हैं, डिले डिटोनेटर, इसका कई बार पूछ रहे आपको, आजकल तो कॉन्सेप्चुअल वीडियो आएगा कि क्या फायदा है, एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है इसके, या कौन सा लाभ नहीं है। तो पहले तो लाभ मालूम होना चाहिए, जब ना कौन सा लाभ नहीं बताएंगे। अभी जैसे यहाँ पे गन पाउडर के बारे में हमको पता था कि ये लो एक्सप्लोसिव, तब ना बोले हम कि ये हाई एक्सप्लोसिव नहीं है, विच इज नॉट ए हाई एक्सप्लोसिव। कौन सा हाई एक्सप्लोसिव नहीं, कौन हाई एक्सप्लोसिव नहीं? गन पाउडर। अब आपको एडवांटेज दे दिया कि डिले डिटोनेटर के एडवांटेज दे दिए आपको। अब एडवांटेज दे दिए तो आपको मालूम ना होना चाहिए कि क्या क्या एडवांटेज। इसका सबसे बड़ा चीप एडवांटेज है सेविंग ऑफ टाइम, समय की बचत। क्या बोले बेटा? लो डिले डिटोनेटर का सबसे बड़ा फायदा क्या है? समय की बचत, सेविंग ऑफ टाइम। कैसे? हम एक राउंड में कई शॉट को एक साथ फायर कर सकते हैं, यानी सिंगल सिंगल करेंगे बहुत टाइम लगेगा, और इसमें एक ही बार में कई शॉट को कर देते। दूसरी बात, दूसरा इसका बड़ा एडवांटेज है डिले डिटोनेटर का, एक तो समय की बचत, सेविंग ऑफ टाइम, दूसरा लेस ग्राउंड वाइब्रेशन, ठीक है। जो हम नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर इस्तेमाल करते हैं ओपन कास्ट में भी, वो इसी थीम पे है। वहां पे हम नोनेल यूज करते हैं, नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, वो भी डिटोनेटर का ही श्रेणी है बेटा। वहां पर भी ग्राउंड वाइब्रेशन को कम करने के लिए हम नोनेल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये भी डिले डिटोनेटर है, ये लेकिन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर है, ये इलेक्ट्रिक डिले डिटोनेटर, बस इतना अंतर है। लेकिन डिले डिटोनेटर चाहे ये वाला हो चाहे वो वाला हो, ग्राउंड वाइब्रेशन कम होगा, समय की बचत होगी, उसके बाद फ्री फेस अवेलेबिलिटी करता है डिले डिटोनेटर। फ्री फेस अवेलेबिलिटी के चलते क्या होगा? आपका गुड फ्रेगमेंटेशन होगा, गुड फ्रेगमेंटेशन होगा, इजी आप लोडिंग होगा, मतलब आसानी से लोडिंग कर पाएंगे, और कास्ट ऑफ एक्सप्लोसिव भी बचेगा, बढ़िया ब्लास्टिंग होगा तो, ठीक है। दीज आर द एडवांटेजेस, ये सब फायदे है डिले डिटोनेटर को इस्तेमाल करने के। इसमें दो चीज पूछेगा, पीटीएन का फुल फॉर्म और एएसए का फुल फॉर्म। हम जिस दिन आप लोग को वो बता रहे थे, क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म, उसमें ये दोनों छूट गया था, बाकी मोटा मोटी कवर हो गया। अब ऐसा नहीं बोलता कि सभी कवर हो गया होगा, बट बहुत सारा कवर किया। पीटीएन क्या लिखा बेटा? पीटीएन बेस चार्ज क्या होता है बाबू? बेस चार्ज होता है पीटीएन, दो बार बोली रही आपने, बेस चार्ज पीटीएन, प्राइमिंग चार्ज एएसए, ठीक है। डिले एलिमेंट क्या होता बोला? अरे ब्रास या कापर के स्लू होता है, उसके अंदर तीन को नाम बताए थे, क्या बताए? सिलिकॉन, बेरिलियम सल्फेट और रेड लेड का मिश्रण होता है, इतना ना बोले यार, का बहुत का बड़का बात बोला है। पीटीएन, पीटीएन, पी फॉर पेंटा, पी का मतलब क्या बेटा? पेंटा मतलब पांच। ई का मतलब एरी, ई आर वाई एरी, ई आर वाई एरी। टी का मतलब पेंटा एरी हो गया, थ्री टोल। टी का मतलब क्या बेटा?
3TOL, पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रा TETRA, ये एक ही बार टी है लेकिन इसका दो मीनिंग है। पेंटा एरिथ्रिटोल, ये ई से ही इतना है, ये ई का मतलब ही एरिथ्रिटोल है और ये टी का मतलब टेट्रा है, समझ आया, और एन का मतलब नाइट्रेट, याद रहेगा बाबू, क्या बोला, पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रा नाइट्रेट, खत्म हो गया। लीजिए ए से, ए ए का मतलब है लेड अजाइड, LEAD लेड अजाइड, एक बुक में साइज लिख दिया, इसको एस कर दिया है, गलती से हो गया होगा। ए का मतलब क्या है, लेड अजाइड, फिर दूसरे का एस का मतलब लेड स्टिफ नेट, लेड स्टिफ नेट, एंड ये लास्ट वाले ए का मतलब है एल्यूमिनियम पाउडर, एल्यूमिनियम पाउडर, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको भी आप स्क्रीनशॉट मारना है तो एक बार स्क्रीनशॉट मारिए, तो हम वीडियो रोकते हैं। हम अब इन कनेक्शन विद ब्लास्टिंग मिसफायर मींस, ये डायरेक्ट आपको मिसफायर का डेफिनेशन पूछ लिया, ब्लास्टिंग ऑपरेशन में मिसफायर का क्या मतलब होता है, ठीक है, क्या बोला, मिसफायर का क्या मतलब है, मिसफायर, देखिए क्या बोला, कुछ नहीं कर रहा यार, कहने बुद्धि लगा, मिसफायर, एक मेरा साथी है वो बोलता मिस्त्री का मतलब मिस कर देना, ठीक है, कोई मिस्त्री रहेगा वो मिस करेगा, बोले हाँ बड़ा मजाकी आदमी है, वैसे क्या है ये मिस फायर, फायर मतलब एक्सप्लोड, अब इसको मिस फायर के बजाय कहीं पे ऐसा भी लिख के रख सकते हैं, मिस फायर मतलब मिस एक्सप्लोड, मिस एक्सप्लोड, एक ही बात, मतलब एक्सप्लोड नहीं किया, छूट गया, मिस हो गया, मतलब बस मिस हो गया भैया, बस छूट गया ना जी, तभी ना बोलते हैं, तो मिस फायर, फायर नहीं कर पाया, किसको किसको फायर करते हैं, अरे बारदुआ को ना करते, एक्सप्लोसिव को ना करते हैं, साठ होल या ब्लास्ट होल के अंदर क्या डालते हैं आप, साठ होल बोलिए ब्लास्ट होल बोलिए, क्या बात होता है, या कहीं हम ब्लास्टिंग का चीज बोल रहे हैं, होल बोल दिए तो मतलब ब्लास्टिंग होल है, साठे होल है, ठीक है, तो साठ होल के अंदर क्या भरा आपने, बारूद एक्सप्लोसिव, और उस एक्सप्लोसिव के चार्ज को यदि ब्लास्ट नहीं कर पाया तब उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्ट नहीं हो पाए तो उसको क्या बोलते हैं, हम मिस फायर, क्या बोलते हैं, मिस फायर, ठीक है, कोई दिक्कत है, अब इसका अंग्रेजी लिखना आ गया या हिंदी लिखना आ गया तो लिखने देना यार, क्या लिखना है, मिस फायर मीन्स क्या हुआ, मिस फायर मीन्स क्या हुआ, नॉट एक्सप्लोड, क्या बोलेंगे, एक मिनट रुकिए थोड़ा पानी पी लीजिए, हाँ क्या बोलेंगे बेटा, मिस फायर, मिस फायर मीन्स फेल्योर, फेल्योर मतलब नॉट एक्स, नॉट फेल्योर मतलब क्या होना है, नॉट फेल्योर टू एक्सप्लोड, हम बोले ना मिस फायर का मतलब क्या, मिस एक्सप्लोड मतलब क्या, वो फेल्योर टू एक्सप्लोड मतलब नॉट एक्सप्लोड बोल सकते हैं, नॉट टू एक्सप्लोड, फेल्योर टू एक्सप्लोड ऑफ एन एंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव, ऑफ एन फेल्योर टू एक्सप्लोड ऑफ एन एंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव ऑफ ए शॉर्ट होल, ऑफ ए शॉर्ट होल आर ब्लास्ट होल, ठीक है, इतना ही करना, कुल मिला के आपको ये याद रखना है, आपको तो डेफिनेशन लिखा है वहां पे, आपको लिखना भी नहीं है कि एक्सप्लोड नहीं कर पाया, ऐसा कहीं वर्ड देखिए, देखिए फेल्योर टू एक्सप्लोड, आपको फेल्योर ना देखे हो, नॉट टू एक्सप्लोड दे दिया तो भी वही बात हो गया, तो आपको देखना है कि क्या बात बोल रहा है, मतलब ब्लास्टिंग नहीं हुआ, पूरे जो होल के अंदर जो भी बारूद डाला था उसका ब्लास्टिंग नहीं हुआ तब उसको बोलते हैं मिस फायर, खत्म हो गया बात, नेक्स्ट लेते हैं। बाबू हम प्लेन लिस्ट से उठा उठा के कुछ कुछ चीज डालते रहते हैं, लेकिन ये देख ही लीजिए क्यों, क्या अगर एमसीक्यू में रहेगा तो सब लोग एक साथ देख लीजिएगा। सॉलिड ब्लास्टिंग, सॉलिड ब्लास्टिंग में कुछ एमसीक्यू, इसका फर्स्ट और लास्ट शॉट के बीच में डिले इंटरवल कितना रखते हैं, नॉट मोर देन 150 मिलीसेकंड, कितना रहता है, नॉट मोर देन 150 मिलीसेकंड, एमएस का मतलब मिलीसेकंड, ठीक है, काहे ऐसा रखते बाबू, लेग ऑन इग्निशन को ध्यान में रख के रखा है इसको,
सिर्फ ये बता नेता थोड़ी बताता मैं। लेगन इग्निशन क्या होता है, यदि कोई भी पदार्थ को हम जलाते हैं तो तत्काल जलना नहीं चालू करता, गर्मी को सोखता है और जब इग्निशन टेम्परेचर तक जाता है, मतलब उस पदार्थ को जलने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए उस टेम्परेचर को, वो मिनिमम टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं, उसके बाद वो जलना चालू करता है। ऐसे आपका मीथेन और हवा में ऑक्सीजन नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पे कोई रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यदि रहे, ठीक है, तो क्या होगा, वो आपका मीथेन और एयर रिएक्ट करना चालू कर देता है। उसका हम बताएंगे कितना कितना डिग्री पे कब करता है। तो मीथेन को भी जलने के लिए कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम चाहिए, उसको हमने सोर्स ऑफ इग्निशन दिया मीथेन को, तो तत्काल नहीं जलेगा, उसको जलने के लिए कुछ सर्टेन टाइम चाहिए। तो जब हमने उसको सोर्स ऑफ इग्निशन प्रोवाइड किया और उसने जब जलना चालू किया, मतलब प्री फ्लेम के पहले का फ्लेम निकलना चालू किया, उसके पहले जब सोर्स ऑफ इग्निशन, मतलब मैंने माचिस का तीलिया घस दिया या कहीं स्पार्किंग हो गया और यहाँ एटमॉस्फेयर में मीथेन है, तो वो स्पार्किंग के चलते मीथेन में आग लगा, तो तत्काल नहीं लग जाएगी, उससे जलना चालू होगा मीथेन, कुछ समय लेगा। तो जब उसको सोर्स ऑफ इग्निशन मीथेन को मिला और मीथेन ने जब चलना चालू किया, दोनों के बीच जो समय बीता उसी को बोलते लेग ऑन इग्निशन। तो लेग ऑन इग्निशन को ध्यान में रख करके हमने ये बनाया, मतलब मैंने नहीं, आपने नहीं, हमारे पूर्वजों ने ये बनाया कि फर्स्ट और लास्ट शॉट, जो पहला और आखिरी शॉट को, मतलब पूरा ब्लास्टिंग खत्म होने का बात बोल रही, पहला से लास्ट तक बोल रहा, मतलब पूरा ब्लास्टिंग का प्रोसेस, फर्स्ट और लास्ट शॉट का यही मतलब है, पूरा ब्लास्टिंग का प्रोसेस 150 मिलीसेकंड में खत्म हो जाएगी, उससे ज्यादा नहीं होती। और दो कंसेक्यूटिव शॉट जो डिफरेंट डिले रहेंगे उनमें, उनका डिले इंटरवल नॉट मोर देन 60 मिलीसेकंड, ठीक है, और दो डिफरेंट डिले के बीच का जो चार्ज है उसके बीच का डिस्टेंस भी 60 सेंटीमीटर है, 60 से याद रखना, 60 दो बार आता है, 60 सेंटीमीटर। एक्सप्लोसिव कौन सा यूज करते बेटा, P5 टाइप एक्सप्लोसिव, सोलिजैक्स पेंटाडाइन, P5 के क्या क्या एग्जाम्पल है, सोलिजैक्स पेंटाडाइन, ठीक है, सॉलिड ब्लास्टिंग में P5 टाइप ही एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यदि आपको ये डिले ब्लास्टिंग है, सॉलिड ब्लास्टिंग क्या, डिले ब्लास्टिंग है, लेकिन डिले एंड रिपिंग बोल दिया तो ये वाला नहीं रहेगा, मैं भी भेजूंगा एक वीडियो, उसको देख के आंसर बताइएगा। लेकिन ये सॉलिड ब्लास्टिंग बोलिए, ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड, इसको BOS भी बोलते हैं, ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड P5। डिटोनेटर रहेगा नॉन इंसेंडिव, कौन सा रहेगा, नॉन इंसेंडिव। ये क्या चीज होता है नॉन इंसेंडिव, हम डिटोनेटर डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो में बताए, नॉन इंसेंडिव कैरिक सीरीज करेगा, कैरिक CRICK कैरिक मिलीसेकंड, ये जिसको मिलीसेकंड को अभी हम क्या बोले, हम शॉर्ट डिले डिटोनेटर रहेगा। फर्स्ट और सेकंड डिग्री क्वांटिटी ऑफ एयर नॉट लेस देन 284 क्यूबिक मीटर पर मिनट, ठीक है, डिग्री थ्री में 300 क्यूबिक मीटर पर मिनट है, लांगवाल फेज में 1000 क्यूबिक मीटर पर मिनट है, ठीक है, हम कहीं बताए हैं वीडियो। गैस चेक 20 मीटर के रेडियस में करेंगे और बाकी टाइम में है, दूसरे टाइप का ब्लास्टिंग है तो 18 मीटर है, कितना है रेगुलेशन के हिसाब से 18 मीटर, लेकिन सॉलिड ब्लास्टिंग के परमिशन में 20 मीटर लिखा रहता है, मेरे वीडियो में सॉलिड ब्लास्टिंग में एक जगह 18 मीटर हम बोल दिए, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, कितना कीजिएगा 20 मीटर, कितना करने के बोले बेटा 20 मीटर, लेकिन रेगुलेशन के हिसाब से 18 मीटर रेडियस में गैस चेक करना है, इतना मोटा मोटी याद रखिएगा, फिर बाकी दूसरे वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हम बताएंगे।